हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु मंत्र इंस्टीट्यूट पर। जैसे कि आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और मुझे वापस फिर से पढ़ाना स्टार्ट करना पड़ रहा है, आप सभी का बहुत ज़्यादा प्यार था, सपोर्ट था और बहुत ही ज़्यादा आपकी डिमांड आ रही थी कि सर आप पढ़ाइए, तो आज से हम 12th और BSc को पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। बस आप अपने सपोर्ट को इसी तरह से बनाए रखना और मैं आपको रेगुलरली वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, राइट। तो BSc का हमने फर्स्ट सेमेस्टर का स्टार्ट कर रहे थे फिजिक्स, तो जिसमें हम फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट करा चुके हैं, तो अब हम उस पर समय बेकार नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत कम बचा है और आपके पेपर आने वाले हैं, तो आगे की चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे। आज से हम यानी BSc की फिजिक्स में हम यूनिट 2, फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो यूनिट 2 है वेक्टर कैलकुलस। फिजिक्स में ध्यान से समझ लेना, ये मैथ की वेक्टर कैलकुलस नहीं है, ये फिजिक्स की वेक्टर कैलकुलस है, राइट। तो आप यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए, क्या है ये, वेक्टर कैलकुलस, ओके। चलिए, तो दूसरी यूनिट आपकी वेक्टर कैलकुलस है, तो दूसरी यूनिट में हम ये स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले देखो, वेक्टर कैलकुलस में क्या है आपका, ये समझ लीजिए आप, थोड़ी सी चीज़ें हम बेसिक ले लेते हैं सबसे पहले, कि आपने 12th पास करी और 12th के बाद में जो स्टूडेंट BSc कर रहा है तो निश्चित रूप से उस पर या तो PCM रहा होगा या PCB रहा होगा, ठीक है, वही BSc करते हैं। अब हम बात करते हैं PCB वाले जो बच्चे BSc करते हैं तो वो क्या लेते हैं, ZBC लेते हैं BSc में, और ये PCM वाले क्या लेते हैं, आपका PCM लेते हैं या PMS, यानी केमिस्ट्री छोड़ देते हैं, स्टैटिक्स ले लेते हैं, राइट। तो कुल मिला के बात ये, इन चीज़ों में कॉमन चीज़ एक आ रही होगी कि यदि जो बच्चा BSc कर रहा है तो वो 12th में साइंस पढ़ा होगा और 12th में BSc में जिसके पास फिजिक्स रहा है, यानी जिसके पास में अभी आपके पास में BSc में फिजिक्स है, तो आपको 12th में आपने निश्चित रूप से फिजिक्स प्लस मैथ पढ़ा होगा, केमिस्ट्री बायोलॉजी को भूल जाओ। यदि आपके पास में BSc में फिजिक्स है तो निश्चित रूप से आपने 12th क्लास में क्या पढ़ा होगा, 12th क्लास में आपने फिजिक्स और मैथ पढ़ा होगा, ओके। तो हम फिजिक्स में, अब हमारी चल रही है वेक्टर कैलकुलस, तो आपको मैथ वाली कैलकुलस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। 12th की जो मैथ की जो कैलकुलस थी, मैथ की कैलकुलस, मैथ में कैलकुलस में क्या थे, आपके डिफ्रेंसिएशन प्लस आपका इंट्रीगेशन, अवकलन और समाकलन आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी आप इसको, इस यूनिट को अच्छे से समझ पाओगे। कुल मिला के बात यह है कि जो आज की ये यूनिट वेक्टर कैलकुलस है, ये आपकी BSc में मैथ में भी मिलती है और ये आपकी फिजिक्स में भी मिलती है। तो आपका 12th वाला जो कैलकुलस है मैथ वाला, वो आपको आना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। पहली बात क्लियर। चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। तो इसमें आपके डिफ्रेंसिएशन के जितने भी फॉर्मूले हैं और इंट्रीगेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं, वो आपको पता होने चाहिए नॉर्मली, ठीक है। और आपका जैसे कि D/dx डिफ्रेंसिएशन x^n का क्या होता है, n(x)-1, इस तरह से ये वाला फॉर्मूला आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का अवकलन -sin x होता है, इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, क्लियर है। चलिए, और एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि दो फंक्शन हैं साथ में और उनका आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो किस तरह से करते हैं, पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है, प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इस तरह से करते हो ना आप। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तभी आप इन चीज़ों को कर पाओगे। समझ में आ गई बात। चलिए, तो अब अपने सीधे सीधे आज का जो टॉपिक है, हम पढ़ाएंगे ग्रेड, ठीक है, यानी कि ये चीज़। तो इस वेक्टर कैलकुलस में डिफ्रेंसिएशन इंट्रीगेशन आता है, जो कि आपको 12th वाला पता है, उस पर हम समय वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उस पर कोई भी क्वेश्चन आता नहीं है BSc में, आगे की चीज पर आता है। तो आप समझ जाओ ऑपरेटर डेल, ये ऑपरेटर डेल है क्या, देखिए ये जो बना हुआ है ना, ये त्रिभुज टाइप का, ये होता है ऑपरेटर डेल।
ऑपरेटर डेल को आप पढ़ने से पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, क्या स्केलर फील्ड प्लस वेक्टर फील्ड, क्या स्केलर फील्ड और आपका वेक्टर फील्ड, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हिंदी में आप लिखना चाहो स्केलर माने अदिश और ये क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा अदिश क्षेत्र, और ये क्या हो जाएगा आपका सदिश क्षेत्र। ठीक, इससे पहले आपको सदिश अदिश क्षेत्र जानो, उससे पहले आपको पता होनी चाहिए अदिश राशियां। अदिश राशियां कौन सी थी, अदिश राशि कौन सी थी, जैसे कि आपका ताप हो गया, समय हो गया, आयतन हो गया, ठीक है, आपका कार्य हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये सभी कैसी थी अदिश राशियां थी। ऐसे ही आपकी सदिश राशि की हम बात करेंगे, सदिश राशियां कौन सी थी, जैसे कि आपका वेग हो गया, ठीक है, आपका त्वरण हो गया, आपका बल हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं, आप उनको पढ़ोगे, आवेग संवेग इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो इन चीज़ों का क्या यूज है, ये हम पहली यूनिट में भी पढ़ा चुके हैं। इनका यूज ये है कि देखिए, वह क्षेत्र अदिश क्षेत्र कौन सा है, वह क्षेत्र जिसमें आपके अदिश राशि संबंधित होती है, यानी कि एक ऐसा फील्ड जिसमें आपका क्या हो, आपकी स्केलर क्वांटिटी एसोसिएट हो रही हो, उसमें उससे संबंधित हो। सिंपल मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, जैसे, और वह क्षेत्र जिसमें आपका सदिश राशि संबंधित हो रही है या सदिश राशि जिससे जुड़ी हुई है वो क्या है, सदिश क्षेत्र है। अरे मतलब क्या है कि जिसमें आपका स्केलर क्वांटिटी एसोसिएट हो रही है जिस फील्ड से, उसको हम बोलेंगे स्केलर फील्ड। जिस फील्ड में आपका वेक्टर क्वांटिटी एसोसिएट हो रही है उसको बोलेंगे हम सदिश क्षेत्र। जैसे कि मैं एक बात कर रहा हूँ सिंपल तरीके के, एक तालाब है, तालाब, और तालाब में क्या है, पानी है, और तालाब के हम एक तालाब है, तालाब बहुत बड़ा है, और तालाब में क्या है, बहुत सारा पानी है। अब इसमें पानी के टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, पानी के किसकी बात कर रहा हूँ, ताप की यदि बात कर रहा हूँ, तालाब के पानी के ताप की यदि मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, पानी का तालाब, यानी कि ये जो तालाब जो है, तालाब में क्या है, पानी है, तो पानी क्या है, एक क्षेत्र में फैला हुआ है तालाब के में, ठीक है, यानी कि फील्ड की बात हो रही है लेकिन ताप की बात हो रही है, तालाब के पानी के ताप की बात हो रही है, तो वो क्या है आपका स्केलर फील्ड आ गया, यानी अदिश क्षेत्र आ गया, क्योंकि पानी के हम ताप की बात कर रहे हैं। यदि मैं बात करूं इस पानी, ये तालाब में जो पानी है, पानी का जो वेग है उसके ऊपर हम डिस्कस करने लगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, सदिश क्षेत्र बन जाएगा, क्योंकि अब हम पानी के क्या करने वाले हैं, पानी के वेग की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ वाटर, यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर क्योंकि अदिश राशि है इसलिए अदिश क्षेत्र हो जाएगा, यानी पानी की जो सतह का टेम्परेचर है वो आपका क्या बन जाएगा, आपका अदिश क्षेत्र में आएगा, और जो पानी के वेग की हम बात करेंगे तो वो क्या बन जाएगा अपने आप में, इस पूरे सतह का जो पानी है उसके हम वेग की बात करने लगे तो वो एक प्रकार से किस में क्वांट, यानी कि क्या हो जाएगा, वो आपका सदिश क्षेत्र हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब सीधे सीधे अपने उस पर लौटते हैं, वेक्टर यानी कि डेल, ऑपरेटर डेल पर, ठीक है, तो ऑपरेटर डेल क्या है ये, तो अब आ जाते हैं अपनी सीधे सीधे ऑपरेटर डेल, ठीक है भाई, अवकलन समाकलन आपको पता ही है, उससे आगे की चीज पर चलते हैं। अब सीधे सीधे ऑपरेटर डेल, ये ऑपरेटर डेल क्या है, इसको परिभाषित करेंगे, सारी कुछ बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऑपरेटर डेल, तो ये जो ये बना हुआ है त्रिभुज सा, त्रिभुज के ऊपर हम थोड़ा सा ये लगा देते हैं तो इसको बोलते हैं ऑपरेटर डेल, और ऑपरेटर डेल की एक वैल्यू होती है ऑपरेटर डेल, यानी कि इसकी एक ये पता क्या, जैसे कि आपका जोड़ है, गुणा है, माइनस है, ये मैथमेटिकल ये भी ऑपरेशंस हैं, यानी ऑपरेटर्स हैं, तो ऐसे ये भी एक ऑपरेटर है, लेकिन इसमें ये अंतर है कि ये आपका क्या है, ये आपका
एक ऐसा ऑपरेटर है, इसकी एक वैल्यू होती है, फाइनाइट वैल्यू होती है, ठीक है। और उसके थ्रू जैसे कि हम 4 और 6 के बीच में ऑपरेटर लगा दिया प्लस, तो ये जोड़ देगा डायरेक्टली बना देगा 10। तो इसका ऐसा नहीं होता है, ये अपने क्या है वेक्टर फंक्शन में ऑपरेट करता है। वेक्टर फंक्शन में ऑपरेट कैसे करेगा उसको समझ जाओगे अभी आप। इसकी वैल्यू आप देखो, इसकी वैल्यू होती है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप डेल अपॉन डेल जेड के कैप, या कभी कभी इस तरह से लिखा होता है ये कि आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। मतलब ये क्या है, ये आपके पार्शियल डिफरेंशिएशन बन गया, यानी कि आपका आंशिक अवकलन बन गया। आपने पढ़ा था ना आंशिक अवकलन कि डेल अपॉन डेल एक्स एक्स इस तरीके से, या एक्स स्क्वेयर प्लस डेल अपॉन डेल वाई और यहाँ पर वाई ये मतलब वाई की पावर 3 इस तरह से। मतलब कुल मिला के बात ये वही चीज़ है, कोई अलग नहीं है, समझ गए। अभी आगे समझ जाओगे आप। अभी फिलहाल अपनी बुद्धि में केवल एक चीज इंस्टॉल कर लीजिए कि डेल एक ऑपरेटर है, डेल की वैल्यू कितनी है, डेल की वैल्यू है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल अपॉन डेल वाई जे कैप डेल अपॉन डेल जेड के कैप। इससे ये ज्ञात हो रहा है कि डेल एक क्या है, वेक्टर ऑपरेटर है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं, अब हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। तो डेफिनेशन कैसे बनती है, इस ऑपरेटर डेल को हम डायरेक्टली डिफाइन नहीं करते हैं, इसको ग्रेडियंट के रूप में डिफाइन करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक नया नाम मैं आपको दे रहा हूँ, व्हाट इज ग्रेडियंट, ठीक है, व्हाट इज ग्रेडियंट। तो अब ग्रेडियंट के रूप में हम इसको परिभाषित करेंगे, तो क्या आ जाएगा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या है भाई, ग्रेडियंट को पढ़ेंगे। अब ग्रेडियंट को पढ़ने से पहले आपको क्या है, स्केलर फील्ड, वही चीज आपको स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड की जानकारी होनी चाहिए। तो अब सीधे सीधे ग्रेडियंट को बहुत ही हम अच्छे से हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि हमने मान लिया लेट लेट एप इज ए वैक्टर सीधे लिख देना एप इज ए स्केलर फील्ड, या हम इसको फंक्शन बोल देते हैं। एप क्या है, एप एक स्केलर फंक्शन है या स्केलर फील्ड है। देन द ग्रेड एप और डेल एप इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड एप, ठीक है। एंड रिटिन एज, एंड लिख दीजिए हम इसको, ये क्या है, यदि एप एक आपका स्केलर फील्ड अदिश सदिश है, क्या है एप एक अदिश फंक्शन है या अदिश क्षेत्र है, तब आपका ग्रेड एफ या डेल एफ आपका ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड एफ, ये एफ है, यानी कि क्या है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है आपको, ग्रेडियंट को हिंदी में बोलते हैं प्रवणता। क्या बोलते हैं, प्रवणता, ठीक है, इसको प्रवणता कहते हैं। आप ज़्यादा हिंदी पर मत जाइए, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में लिखिए, ठीक है, तो आप समझ गए ना आप, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे हम इस तरीके से कि डेल एफ मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेड एफ, ठीक है। ग्रेड एफ का मतलब क्या हो गया, ग्रेड का मतलब बेटा रे यही हो गया, और इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल अपॉन डेल वाई जे कैप डेल अपॉन डेल जेड के कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप। इसके साथ में हमने क्या एप ऑपरेट कर दिया, इसको अंदर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एप की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, डेल एप अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एप अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल एप अपॉन डेल जेड के कैप। अब हमने क्या कर दिया, आप समझ ही गए होंगे इसको, तो यही है आपका ग्रेड एफ, ठीक है। इसी को बोलेंगे हम क्या है, ये इस अदिश क्षेत्र की प्रवणता बन गई, अदिश क्षेत्र की प्रवणता। कोई भी अदिश क्षेत्र है उसकी प्रवणता कैसे निकलेगी, इस तरह से निकलेगी, आपका ग्रेड एफ, ग्रेड एफ निकाल दिया, ठीक है, समझ में आ गई। इसके कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र को हम किस तरह से लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर जो होता है हम उसको माइनस ग्रेड
माइनस ग्रेड वी वेक्टर लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, माइनस ग्रेड वी। तो मतलब क्या है, किसी भी वैद्युत क्षेत्र को, ये क्या है, ये है आपका वैद्युत क्षेत्र। देखो इसके एग्जाम्पल कहाँ पे मिलते हैं, ग्रेडियंट के एग्जाम्पल कहाँ पे मिलते हैं, ग्रेडियंट के एग्जाम्पल आपको मिलते हैं, ये है आपका वैद्युत क्षेत्र। ये क्या है, आपका वैद्युत क्षेत्र है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ एफ, ठीक है, या डेफिनेशन लिखो स्केलर फील्ड की, ग्रेडियंट की परिभाषा लिखो, यानी कि ग्रेडियंट एफ ऐसा दिखेगा, ग्रेड एफ की परिभाषा लिखो या ग्रेड एफ को आप समझाओ, ग्रेड एफ क्या है, वेयर एफ इज ए स्केलर फील्ड या स्केलर फंक्शन। उसमें दिया होगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा, यदि आपका एफ एक अदिश फंक्शन है या एफ एक अदिश क्षेत्र है तो आप ग्रेड एफ को समझाओ या अदिश क्षेत्र की प्रवणता को समझाओ, तो आप इतना लिखना बस, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल समझो, देखो ये ग्रेडियंट जो है उसका एग्जाम्पल किस तरीके से बनेगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ, ठीक है, ग्रेडियंट के, ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट अपने आप में प्रवणता है, और प्रवणता की हमको कैसे पता चलती है, इस तरह से हमने निकाल दी, पता चल गई। अब इसके एग्जाम्पल आपको कैसे देखने को मिलेंगे, देखो कि हमें जब वैद्युत क्षेत्र चाहिए तो हम क्या कर देंगे, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा वहाँ पर वैद्युत विभव होगा, तो सिंपल सी बात है, वैद्युत विभव की ग्रेडियंट निकाल के उसमें ऋणात्मक चिन्ह लगा दो तो वही क्या बन जाएगा, वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। क्या किया हमने, किसी भी बिंदु पर किसी वैद्युत क्षेत्र, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, का जो मान जो होता है वो उस क्षेत्र के वैद्युत विभव के ऋणात्मक ग्रेडियंट के बराबर होता है। यानी किसी भी क्षेत्र का जो वैद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू है या वैद्युत क्षेत्र का जो मान है वो उस क्षेत्र के वैद्युत विभव के ग्रेडियंट के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ये चीज यहां पर लिख लेना, इसका क्या बन जाएगा, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत विभव के ऋणात्मक प्रवणता द्वारा किया जाता है, ठीक है। मतलब समझिए, किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु है, किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, हम उस वैद्युत क्षेत्र को हम परिभाषित करें तो सिंपल तरीके से क्या कर देंगे, उस बिंदु पर जितना वैद्युत विभव है उसका ग्रेडियंट निकालो और ऋणात्मक चिन्ह लगा दो, तुरंत आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए, ये ग्रेडियंट आपको समझ में आ गया, अब आगे की चीज पर चलते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आते हैं ग्रेडियंट के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा आपके पेपर में, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए क्या है, इफ एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर देन फाइंड द डेल एफ। डेल एफ का मतलब क्या है, इसको ग्रेड एफ भी बोल सकते हो आप, ठीक है, या आपको क्वेश्चन आपको इस तरीके से कह देगा कि भैया ग्रेड क्या करना है, ग्रेड एफ को फाइंड करना है, या आपसे बोल सकता है ग्रेडियंट ऑफ एफ, ठीक है, ये चीज फाइंड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पता है सॉल्यूशन किस तरह से आपको करना है। आप सबसे पहले देखिए कि आपको स्केलर फील्ड कितना दे रखा है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ये आपको एफ की वैल्यू आपको ये दे रखी है, और आपको क्या चाहिए, डेल एफ की वैल्यू आपसे फाइंड करवा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, इसका मतलब क्या है, डेल एफ मतलब डेल की वैल्यू आप जानते हो, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये वैल्यू हो गई। एफ क्या है, एफ की वैल्यू ये है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ये हो गई। अब इसकी वैल्यू अंदर करेंगे सबके साथ में ऑपरेट कर दो तो क्या हो जाएगा,
डेल अपॉन डेल एक्स, इस पूरे ब्रैकेट की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। और ये आई कैप यहाँ पर लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत, इस वाले की पूरे की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, क्योंकि आपको पता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप के साथ में यदि हम एफ को ऑपरेट करते थे तो क्या वैल्यू आई थी, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई कैप, इस तरह से आया था, ऐसे ही प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड डेल वाई जे कैप इस तरह से, और डेल एफ अपॉन डेल जेड के कैप इस तरह से आई थी। तो वही चीज, ये आपका फंक्शन है एफ, ये फंक्शन क्या है, एफ है, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आई को मैं पीछे लिख दे रहा हूँ, इस फंक्शन को आगे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस, समझ गए ना बात को, देखो सिंपल सी बात, आप मल्टीप्लाई करो, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप को हम हमेशा पीछे रखते हैं, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दी, कोई दिक्कत। चलिए ऐसे ही डेल अपॉन डेल वाई, ये पूरी वैल्यू क्या है, ये वाली, ये मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ये पूरी वैल्यू मैंने ये लिख दी, ये जे कैप यहाँ पर आ गया फिर से डेल अपॉन डेल जेड, ठीक, तो ये क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ये के कैप आ गया, ठीक। चलिए अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि भैया एक्स स्क्वेयर का अवकलन कितना होता है, अब इसके अंदर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वेयर का अवकलन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, समझ में आ गई। और वाई स्क्वेयर का अवकलन मतलब डेल अपॉन डेल एक्स, ये एक्स स्क्वेयर इस तरह से आएगा डेल अपॉन डेल एक्स, वाई के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वेयर इस तरह से आएगा, तो ये तो हो गया 2x हो गया, ठीक। और वाई स्क्वेयर का अवकलन कितना, देखिए वाई स्क्वेयर का एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन कितना हो जाएगा, कोई भी कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, जीरो होता है, तो यहाँ पे तो भैया एक्स को छोड़कर बाकी सभी क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट ही कहलाएंगे, और कांस्टेंट का अवकलन जीरो, तो वाई स्क्वेयर का एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सभी क्या है एज ए कांस्टेंट माने जाएंगे, ठीक है। तो एक्स को छोड़ के एक्स स्क्वेयर का अवकलन एक्स के सापेक्ष 2x हो गया, ये पूरा खत्म, प्लस साथ में ये क्या आ जाएगा, साथ में ये आई कैप आ गया प्लस, ठीक। अब ये y है नीचे, तो एक्स स्क्वेयर का y के रेस्पेक्ट में जीरो, वाई स्क्वेयर का y के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और y के रेस्पेक्ट में जेड स्क्वेयर का भी जीरो, ये j कैप ये आ जाएगा प्लस, ऐसे z का ये जीरो और जेड स्क्वेयर का अवकलन z के साथ क्या आ जाएगा, 2z आ जाएगा प्लस, ये यहाँ पर आ जाएगा के कैप आ गया, तो यही आपका क्या निकलेगा, ग्रेडियंट ऑफ f निकल आया, क्या निकल आया, ग्रेडियंट ऑफ एफ। और यहाँ से पता चल रही है आपको आई कैप जे कैप के कैप आ रहा है, मतलब क्या है, आपको दिशा भी मिल रही है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी मिल रही है, तो मतलब क्या हुआ, ये एक क्या है, सदिश राशि है, सिंपल तरीके से आपको पता चल गया, ठीक है। अब यहीं से क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता, क्वेश्चन इसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के कह देता कि भैया एफ वैक्टर बराबर हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर है, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ एफ एट पॉइंट 1, 2, 3 इस वाले पॉइंट पर। अब क्वेश्चन ने क्या कर दिया, क्वेश्चन देखो एक फंक्शन दे दिया और उसका क्या है, ग्रेडियंट ऑफ एफ आपसे निकलवा रहा है, यानी फाइंड करा रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर फाइंड करा रहा है। अब के क्वेश्चन ऐसे ना देकर आपको इस तरह से दे दिया जाए तो फिर कैसे करोगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आप पहले फंक्शन लिखोगे, पहले ग्रेडियंट एफ फाइंड करोगे, ऐसे करके लिखना लिख दोगे कि भैया यहां पे ऐसे लिख दोगे ग्रेडियंट ऑफ एफ फिर डेल एफ, ठीक है, ऐसे फिर डेल एफ की वैल्यू नीचे लिख दोगे इस तरह से, डेल की वैल्यू ये और एफ की वैल्यू ये, पूरा सॉल्व करोगे ये आ गया, फिर आपको पॉइंट रखना है, फिर ऐसे यदि आपका पॉइंट दे रखा है तो फिर लिख दोगे एट पॉइंट कितना 1, 2, 3, मतलब क्या है आपको इसी लाइन से आगे बढ़ाना है, यहीं से आगे ये कर दोगे, इसके बाद में लिखोगे एट पॉइंट 1, 2, 3, इसी से आगे तो क्या हो जाएगा यहां से डेल एफ, तो ग्रेड एफ क्या हो जाएगा,
देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, आई जे के, इनसे कोई मतलब नहीं है, एक्स वाई जेड यहाँ पे आ रहे हैं, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, ये जेड की वैल्यू, तो एक्स की जगह पे एक रख दोगे तो क्या हो जाएगा, दो एक दो आई कैप, वाई की जगह पे कितना दो रखोगे तो कितना दो दूनी चार जे कैप, और जेड की जगह पे कितना तीन रखोगे, तीन दूनी छ के कैप, ये आ जाएगा। समझ में आ गई बात, नहीं आई, समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से आपको ग्रेडियंट की वैल्यू फाइंड करनी है। यदि आपसे केवल ग्रेडियंट फाइंड कराए तो आप इतना करना है, किसी पॉइंट पर आपसे फाइंड आउट कराए तो इतना करना है, मतलब पॉइंट को और आगे और बढ़ा देना, एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देनी है। समझ गए ना बात को, चलिए आगे आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कराते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो, कुछ भी समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ट्वेल्थ वाले यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप नाराजगी बिल्कुल भी व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो डेफिनेटली अब या शाम तक आपको अपलोड हो जाएगी, ठीक है? तो कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मिलेंगे खुश ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।